हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट रिटर्न करना बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट रिटर्न कैसे कर सकते हो वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए सबसे पहले फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेना है, जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों आप लोग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ऊपर में ऑर्डर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, आपको आपके सारे ऑर्डर शो होने लगेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको वो प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है जिसे दोस्तों आप रिटर्न करना चाहते हो। तो उस पर मैंने दोस्तों अभी क्लिक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप दोस्त देख सकते हो, रिटर्न और नीड हेल्प है, तो आपको रिटर्न पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों बहुत सारे रीज़न है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक रीज़न सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे चार चार रीज़न है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे इसके अंदर का दोस्तों एक और रीज़न सेलेक्ट कर लेना है, मोर डिटेल्स के अंदर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पे कुछ कमेंट लिख देना है दोस्तों, प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या कमेंट है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर टी शर्ट ऑर्डर किया था, और मेरा टी शर्ट की जगह पर दोस्तों यहाँ पे एक सॉक्स आ चुके हैं दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे इसे रिटर्न करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कमेंट में अभी सारी चीज़ें लिख दी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे नया ऑप्शन आ रहा है दोस्तों रिफंड का। आप लोग जिस भी प्रकार से अपना रिफंड करना चाहते हो दोस्तों, वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है फ्लिपकार्ट कार्ड वॉलेट दोस्तों, दूसरा बैंक अकाउंट वी आई, तीसरा बैंक अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट पर सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे एक एड न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो सारी बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद दोस्तों, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न अप्रूव्ड हो चुका है दोस्तों। आप डिलीवरी बॉय आपके प्रोडक्ट को आपके घर के पास से ले जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका जो मनी है वो रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।